हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। आज मैं आपको खेत में दिखाती हूँ कि धान कैसे लगाया जाता है। धान का एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा पानी वाले एरिया में ही लगता है, और जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है वहीं पे ही लगाया जाता है, क्योंकि जब इसकी बिजाई की जाती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है और पानी में ही खड़े होके लगाना पड़ता है, और पानी से ही उसको लबालब रखना पड़ता है हमेशा। और जब इसका पकने का टाइम आता है तब थोड़े दिन पहले इसके पानी देना बंद कर देते हैं, पानी कम कर देते हैं, और उसके बाद उसकी कटाई होती है जब वो पक जाता है। तो लगाया कैसे जाता है ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ, देखना कि कैसे इसको पहले बीज से पौध तैयार की जाती है, फिर पौध जो है वो एक एक तना, छोटा सा तना जो होता है वो पानी में ही खड़े होकर लगाया जाता है, या खेत में जो लोग काम कर रहे हैं वो लगा रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे लगाया जाता है। यहाँ पर यह है धान की पनीरी तैयार की गई है। पनीरी मतलब पौध जो लगाई जाती है, बीज डालकर पौध तैयार की जाती है। यहाँ थोड़े से एरिया में ही कर दी जाती है इकट्ठी ही, ये पूरी पनीरी तैयार है। और यहाँ ये पानी भर रखा है, खेत को तैयार कर रखा है, और यहाँ इसमें खड़े होकर ही लगाया जाएगा। और सामने उधर वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, पौध लगा रहे हैं, तो सामने सूरज छिप रहा है और यहाँ लगाया जा रहा है खेत में धान। धान की बहुत सारी वैरायटी होती हैं जो यहाँ से निकलता है। धान उसका जो चावल निकलता है वो विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, इतनी बढ़िया क्वालिटी का होता है। और हमारे बच्चे जो यहाँ हमारे खेत का, अपने खेत का जो धान घर में चावल बनता है, वो उन्होंने वहाँ पर यूके में और यूएस में खा के भी देखा, बहुत बढ़िया से बढ़िया चावल वहाँ खरीद कर खा के देखा, लेकिन वहाँ को उनको वो वैरायटी नहीं मिली, वो खुशबू चावल की और वो रसीला चावल वहाँ पर नहीं मिला जो यहाँ खेतों में घर का चावल होता है, अपने ही खेत का चावल होता है। तो दिखाती हूँ मैं आपको आगे और कैसे बनाते हैं, कैसे इसको उगाते हैं। लेट लीजिए सुना, तो देखा आपने कि चावल की रोपाई कैसे होती है, उसके ट्रांसप्लांटेशन कैसे होती है। और आपको अगर चावल चाहिए होता हो बढ़िया क्वालिटी का तो हमसे ज़रूर कहिएगा, हम आपके लिए चावल ज़रूर भेजेंगे। जी हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।